16 सुधा ओडिशा रे छाड़ी पारे मौसमी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मुसियंक आपण मान देखुचंती शक्ति टीवी। तो फ्रेंड्स, आपण जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर दियंतु, वीडियो को लाइक कर दियंतु, तळे थिबा घंटी आइकन को दबाई दियंतु, जहाद्वारा आपण सर्वप्रथम वीडियो आम चैनल रे पाई परबे। चालंतु जानो भयर संपूर्ण खबर टी। एथर विलंब रे ओडिशा रे शीत प्रभाव हेबो। दक्षिण पश्चिम मौसुमी प्रवेश समय रे जेमिति लुचकाली खेलुथिले प्रत्यावर्तन समय भी समान स्थिति लागी रही। केबे छाड़ब से नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग एपर्यंत चित्र स्पष्ट करना। तीन दिन है विभाग आकलन करुच्छे जे दुई दिन भितर पूर्व भारत शीत प्रत्यावर्तन कर, तेबे निर्दिष्ट दिन धार्य करा जाए नाही, बरम पूर्व भली दुई रु तीन दिन भितर मौसुमी ओडिशा रु प्रत्यावर्तन करबा बोली आज भी कुहा जाउची। पाणीपाग केन्द्र विशेषज्ञ कहिबा कथा होउची जे एथर मौसुमी प्रत्यावर्तन विलंब होइथिबार शीत आसीबा भी विलंब हेबो। साधारणतः अक्टोबर द्वितीय सप्ताह बेलकु रातिर तापमात्रा 12 डिग्री को खसी आसे और शीत अनुभव होई पारे। एथर कितु विलंब होईछि। अनेक स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा लागि रहिछि। आसंता 3 रु 4 दिन मध्ये एभली स्थिति लागि रहिबो। तेणु अक्टोबर चतुर्थ रु शीत प्रभाव होई पारे। पाणीपाग विशेषज्ञ सुरेंद्रनाथ पशुपालन कहिबा कथा हेउछि जे राजस्थान उपरे एक गुरुचाप बळे रहिछि। प्रभाव रे ओडिशा को जम्मू और काश्मीर आड़ को उत्तर प्रवण होईछि। आसंता दुई दिन धरी यह जारी रहिबो। 14 तारीख रे उत्तर ओडिशा व्यतीत राज्यर अन्य समस्त स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा हेबो। तेबे 15 रे पाणीपाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। तेबे दक्षिण ओडिशा रा स्थान स्थान हल्का वर्षा होई पारे ओ 17 18 रे राज्यर अनेक जगार स्वल्प वर्षा हेबार संभावना रहिछि। अनुमान करा जाउछि जे सोमवार और मंगलवार उपकूलवर्ती अंचल रात्रि रो तापमात्रा 1 डिग्री सेल्सियस लेखाई कमिबो, किंतु पश्चिम ओडिशा रे 1.5 डिग्री लेखाई कमिबार संभावना रहिछि। तारीख रे उत्तर पूर्व दिगरु पवन बहिबो। 17 तारीख बंगोपसागरीय पूर्वा पवन हेबो, फलरे 16 तारीख ठारु रात्रि तापमात्रा पुणी 2 डिग्री बढ़िबो, जहाकि परवर्ती 4 दिन पर्यंत लागि रहबे ओ वर्षा हेबो। तेणु 21 तारीख पर्यंत शीत आसी संभावना नहीं। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आकलन अनुजाई 14 और 15 तारीख में ओडिशा रे घड़घड़ी सह वर्षा हेबो। विशेषकर दक्षिण उत्तर ओडिशा रे वर्षा रे प्रभाव अधिक रहिबार संभावना रही। 14 तारीख मध्यान सुधा मयूरभंज केन्द्रझर सुंदरगढ़ अनुगुल ढंकनाल भद्रक बालेश्वर जाजपुर कटक खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ और नवरंग कलाहांडी और कंधमाल जिले में घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना रही। केतेक स्थान में वज्रपात संभावना रही। तेबे 14 तारीख अपराह्न 15 तारीख अपराह्न मध्य गंजापति मालकानगिरी कोरापुट मयूरभंज बालेश्वर घड़घड़ सह हल्का वर्षा होई पारे।